नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने चैनल नागेंद्र दास सेकेंड नेम ऑफ स्ट्रगल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एटीएम से अपना नया पिन जनरेट करेंगे। जब हम लोग को नया एटीएम मिलता है एटीएम कार्ड बैंक से, तो उसका पिन हमें खुद से एटीएम में जाकर जनरेट करना पड़ता है। तो आज हम लोग उसी को सीखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने एटीएम कार्ड को इस मशीन मशीन में डालने के बाद में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ग्रीन पिन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, ओटीपी जनरेशन और ओटीपी वैलिडेशन। बैंक के तरफ से जब आप एटीएम कार्ड इशू किया जाता है तो उसी वक्त आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। और उस ओटीपी का जो वैलिडिटी है वो 72 घंटे का होता है, और 72 घंटे के बाद वो ओटीपी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपका ओटीपी एक्सपायर हो गया है तो हम लोग फिर से ओटीपी को यहाँ पर इस मेनू के द्वारा मंगा सकते हैं, ओटीपी जनरेशन के द्वारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए यहाँ पर ओटीपी जनरेट करके देखते हैं, ठीक है। ओटीपी जनरेशन जैसे ही करेंगे वैसे ही हम लोग के मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। ये देखिए, ये पीएनबी का ओटीपी आया हुआ है 6 अंक का, 357204, ठीक है। फिर से यहाँ पर हम लोग एटीएम को निकालेंगे और फिर से इसको डालेंगे। ओटीपी हम लोगों ने जनरेट कर लिया है, अब इसको वैलिडेट करना है, ठीक है। फिर से हम लोग ग्रीन पिन पे जाएंगे। अब यहाँ पर ओटीपी तो हम लोगों ने जनरेट कर लिया है, अब इसको वैलिडेट करना है, तो वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब जो आपका 6 अंक का जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पे डालना है। तो हम लोग का ओटीपी है 357204, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे फिर हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि पिन चेंज, प्लीज इंटर योर न्यू पिन। तो यहाँ पे हम लोग 4 अंक का अपना नया पिन डालेंगे, अपने मन से यहाँ पे 4 अंक का नया पिन डाल देंगे, दोबारा डालेंगे प्लीज री इंटर योर न्यू पिन। यहाँ पे दोबारा फिर से 4 अंक का पिन डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक स्लिप निकलेगा कि आपका जो पिन है वो सक्सेसफुली चेंज हो गया है। ये देखिए, योर न्यू पिन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, पिन चेंज सक्सेसफुली, ठीक है। और इसका एक मैसेज भी आपके मोबाइल पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अपना एटीएम के पिन को चेंज कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।